जो गुनाह छोड़ते हैं अल्लाह माफ करता है। एक शख्स ने 20 साल अल्लाह की इबादत की, फिर 20 साल उसके हुक्मों को तोड़ा, 40 साल उम्र हुई, आईने के सामने खड़ा हुआ, दाढ़ी में कुछ सफेद बाल नजर आए तो रोने लगा। जवानों, दाढ़ियों में जब सफेद बाल आना शुरू हो जाएं, समझ लो कि मौत का फरिश्ता करीब है। याददाश्त कमजोर होना शुरू हो जाए, समझ लो कि मौत का वक्त करीब है। उठते जनाजे, फैले हुई कब्रें और बिछे हुए सफे मातम, ये मौत की निशानी है। हजरत उमर ने एक मुलाजिम रखा, उसको महाना तनख्वाह इस बात की देते थे, तूने आना है, कुंडा खड़का के कहना है, उमर मौत को नहीं भूलना। आता, उसको महाना तनख्वाह देते, एक दफा उसको छुट्टी दे दी, कहा आज के बाद नहीं आना। कहा क्यों हजरत? दाढ़ी पकड़ी, उसमें से एक सफेद बाल को अलग किया, फरमाया अब यही चैन नहीं लेने देता। दाढ़ियों में सफेद बाल आ जाना ये मौत की निशानी है। लेकिन हमने बहुत सारे बूढ़े ऐसे भी देखे हैं, कब्र में टांगे होती हैं लेकिन अमले बद से बाज नहीं आते। वो क्या मियां साहब ने कहा था कि हड्डियां खड़कन, गोडे कंबन, उड़ गया लक तेरा, हजे भी बदियों बाज ना आया, जियो मर्द लेरा। कब्र में टांगे हैं लेकिन अमले बद से फिर भी नहीं बाज आते। वो जवान जिसकी दाढ़ी में सफेद बाल आए, रोने लगा, मालिक 20 साल तेरी नाफरमानियों में गुजर गए, तेरी राहों से दूर चला गया। अरस करते मालिक, अगर मैं पलट आऊं तो तू मेरे साथ क्या सलूक करेगा? मेरे लिए कोई गुंजाइश है माफी की? ओ भाई, तोबा का दर खुला हुआ है, सूरज अभी मगरब से तुलू नहीं हुआ, आने वाला हाथ जोड़ के कह दे बस अब नहीं गुनाह करूंगा, तो खुदा की रहमतें आवाजें देती है, माफी का ऐलान है। जब उसने कहा ना कि 40 साल उम्र हो गई है तेरी नाफरमानियों में, हातिफ से आवाज आई, तूने 20 साल मेरी फरमा बरदारी की, मैंने तेरी इबादत को कबूल किया, फिर 20 साल मेरी दहलीज से दूर चला गया, मेरे हुक्मों को तोड़ता रहा, मुझे नाराज किया, 40 साल बाद तू आया है, तेरा आना काम है, तेरा रब बड़ा रहीम है, तेरा रब बड़ा करीम है, मैंने तेरे माजी के सारे गुनाह माफ फरमा दिए। जो माजरत करते हैं अल्लाह उन्हें माफ करता है। सिर्री सख्ती फरमाते हैं, मैं गुजर रहा था तो मैंने सरेदा एक शराबी देखा, गंदी नाली में उसका मुंह है और जुबान से अल्लाह अल्लाह कह रहा था, हसी चेहरा कहां मट्टी में मला, कहां पड़ा हुआ गंदी नाली में। जब उसकी जुबान पे अल्लाह अल्लाह सुना तो उसको वहां से उठाया, उसका चेहरा धोया और गुजरते इतना कह गया, ओ बंदे खुदा, नापाक मुंह से उस पाक जात का नाम ले रहे हो। जब होश आया तो लोगों ने बताया, आज सिर्री शक्ति तेरे पे मेहरबान हुए, ये बिजली थी कि दिल पे गुजरी। हजरत सिर्री शक्ति फरमाते, मैं नमाज तहज्जुद के लिए मस्जिद में गया, मेरी आंखें क्या देखती हैं, कल जो शराब के नशे में गंदी नाली में पड़ा था, आज वो मुझसे पहले मुसल्ले पे खड़ा है। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, अल्लाह से कहा, मालिक ये तो बहुत बड़ा शराबी था। हातिफ से आवाज आई, सिर्री शक्ति, तूने हमारी खातिर इसका मुंह धोया, हमने तेरी खातिर इसका दिल धो दिया।